नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक्ट्रेस तापसी पन्नू इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं, जब से कंगना रनौत ने उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस बताया है और नेपोटिज्म की डिबेट में उन्हें भी घसीटने की कोशिश की गई है, तब से तापसी ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं। लेकिन इस बीच तापसी को खुश कर देने वाली खबर भी सामने आई है। उनकी एक फिल्म की काफी तारीफ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे कार्डजू ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर तापसी पन्नू की फिल्म मुल्क की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट में यहां तक दावा किया है कि पिछले 40 सालों में ये पहली फिल्म है जो उन्होंने देखी है। ट्वीट में मार्कंडे कार्डजू लिखते हैं, मैं अब 74 साल का हो गया हूँ। मैंने अपने 40 साल में सिर्फ आपकी फिल्म मुल्क देखी है। वो फिल्म कैलिफोर्निया में देखी थी। आपकी और ऋषि कपूर की एक्टिंग कमाल की थी। बता दें, फिल्म की तारीफ सुनना तापसी के लिए गर्व करने वाली बात है। उन्होंने पूर्व जज को बिल्कुल भी इंतजार नहीं करवाया और तुरंत ही ट्वीट कर उनका शुक्रिया अदा किया। तापसी ने उनकी पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे खुशी है कि मेरा काम आपकी नज़रों में आ सका। बता दें, सोशल मीडिया पर मार्कंडे कार्डजू के इस ट्वीट पर कई लोगों ने रिएक्ट किया है। कई तो ऐसे भी यूजर्स हैं जो उन्हें तापसी की दूसरी फिल्में देखने के लिए कह रहे हैं। कोई उन्हें थप्पड़ देखने के लिए कह रहा है तो कोई उन्हें गेम ओवर देखने की सलाह दे रहा है। मालूम हो कि मुल्क का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया था। फिल्म में तापसी पन्नू और ऋषि कपूर ने मेन रोल निभाया था। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक मुस्लिम परिवार अपने आप को निर्दोष साबित करता है जब उसका बेटा किसी आतंकी संगठन के साथ खुद को जोड़ लेता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।